आदाब, कश्मीर क्राउन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब, फिर से एक नई चटपटी खबर के साथ। कि सवाल मेरा सीधे जम्मू कश्मीर के माँ बाप से है, क्या आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस अदा कर ली है? क्या आपने टीचर पर ये फोन कॉल्स का मसला तो नहीं रखा है कि वो आपको फोन करके बताएंगे कि आपके बच्चे की फीस जो है वो अभी आपने देनी है? क्योंकि ये वीडियो जो आप देखेंगे, इस वीडियो में अब शायद टीचर भी खौफजदा होंगे बच्चों से, क्योंकि स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं। ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट का है, और इस डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन लोग हैं, दो बाइक पर बैठे हुए हैं और एक खड़े खड़े हैं, और ये जो खड़ा खड़ा इंसान है ये टीचर है, और जो स्टूडेंट्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, मामला क्या है वो अब मैं आपके साथ बताऊंगा, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो स्टूडेंट्स आए थे मोटरसाइकिल पर, इस आदमी ने, ये इनका टीचर रह चुका है, और इसने ये कहा था कि जो पेंडिंग फीस है आपकी वो आपने मेरे को देनी है, क्योंकि ट्यूशन सेंटर में आपने ट्यूशन की थी, वो जो फीस बची हुई है वो आपने देनी है। तो उन्होंने तमंचा निकाल के गोली चला दी। बहुत खतरनाक बात है ये, और अफसोस वाली, स्टूडेंट्स को वो मध्य प्रदेश के अंदर वो गन कहां से आई, और आपने उस्ताद पर सीधे गोली ही दाग दी। बहुत शर्म वाली बात है ये हरकत जो है निहायत ही कायराना है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में हैं, और जम्मू कश्मीर के तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं, आप मेहरबानी करके उस कोचिंग सेंटर के उस्ताद से मिलिए और उनको पूछिए क्या आपकी फीस जो है वो बच्चों ने अदा कर ली है। कहीं ऐसा मसला जो है, कहीं ऐसे मामले जो हैं अब हमारी इस जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतने ना पड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत सारी चीज़ें भुगत रही हैं। सबसे पहली चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है मेडिकल फैसिलिटी, तीसरे नंबर की जो चीज़ आ रही है वो है एजुकेशन फैसिलिटी। अब जो अच्छे से अच्छा डॉक्टर है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो उसने जॉब ही छोड़ दी, अब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। लेकिन एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है 1000 रुपये या 1500 रुपये जो उसकी फीस होती है, तो इसलिए वो भागते हैं फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ। लेकिन ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारी चीज़ें मिला के, सारी स्टेट्स को आप देखेंगे तो सबसे खतरनाक वीडियोज जो अगर वायरल होती है तो वो इन स्टेट से होती है। तो क्या आपने जम्मू कश्मीर में अपने बच्चों के कोचिंग सेंटर पे तमाम फीस अदा की है? कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला जो है कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में भी देखना पड़े। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुमने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें।